दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं ऐसा करती हूँ, अच्छे होंगे। और रोजाना की तरह मैं आज भी आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना सुंदर हो रहा है। तो यही एक वजह है कि कुर्सी पे ऐसे लटक के मैं वीडियो बना रही, ताकि पीछे का व्यू थोड़ा अच्छा है। तो मैं हाथ दुख गया, मैं थोड़ा ऐसी हो जाती हूँ नॉर्मल। तो आज है दोज, तो सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो अभी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। दोज तो सभी पता है मोहन बाबा की होवे, पर जिसे ना पता आगे पता चल जाए किस कैसे होवे, क्या कुछ करेंगे। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि मम्मी तो है ना, तो सारे काम हमें ही करने हैं। और एक सैड न्यूज़ है, अब तक चंचल थोड़ी बहुत आपको वीडियोस में दिख जाती है, लेकिन अभी नहीं दिखेगी, शायद बहुत कम दिखेगी, क्योंकि कल से चंचल का क्लिनिक है और वो होता है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। तो 8 बजे तक या जो भी जब टाइम होगा कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल से स्टार्टिंग है। तो आज इनसे थोड़ी सी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। चंचल बना रही है बाल, तो हाय तो कर ले भाई। हाँ बस इतना ही कर ले। तो अभी निधि से बात करेंगे। निधि, मैंने सवाल बता दी, तेरे पेपर चल रहे, बता दो कैसे जा रहे हैं तेरे पेपर? अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं। कल का एक पेपर है? अच्छा, कंप्यूटर का। कंप्यूटर फुल फॉर्म आवे? चलो ठीक है। और थोड़ी अपील कर दे, तेरे कहने से लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना। ओ भाई, प्रोफेशनल बंदी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो ठीक है। और कुछ कहना चाहोगी? क्योंकि आज तेरा लास्ट है, फिर आज तो आने तो वीडियो में जो कहना आज कह लो। मैं बता रही हूँ, आज कह लो जो कहना, आज के बाद ना फिर तेरे नंबर। ओके चलो ठीक है भैया, ये तो उल्टा एटीट्यूड दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ करेंगे। और व्यू, चलो खड़ी होकर पहले ना व्यू ही दिखाती हूँ। इंगे तो धूप आ रही है, इंगे से ज़्यादा अच्छा आ रहा। तो अभी इतनी सारी बकबक करने के बाद मैं हम यहाँ कॉम में लग चुके हैं, और सही दोपहर सी हो रही है। जब मम्मी ना रहती तो हमें सब कॉमन की चिंता रहे, जब मम्मी रहे तो टेंशन फ्री। तो सही टाइम से ही हम लग गए, क्योंकि आज दूध हमारा मतलब दूध यहाँ के भी ना जाता, और वैसे फुटकर में भी ना, तो दो भैंस हैं हमारी, तो कुछ दूध के हम खीर बना लेंगे, कुछ भून लेंगे और कुछ पीने के लिए कर लेंगे। तो सबसे पहले अंगीठियाँ पोतना ज़रूरी है, क्योंकि दलिया वलिया बनते हैं अंगीठी में, और वैसे भी त्यौहार है आज, दोज है मोहन बाबा की, तो पोतना ज़रूरी है। पोतने के बाद मैं हमें औच बाढ़ के खीर रख दूँगी। सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए रख दिया, फिर चावल डाल देंगे, फिर दूध, चीनी और मतलब ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो डाल लो, मर्जी है। हमें चावल साफ कर रही है, चावल। और उसके बाद मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की, चावल को लेकर एक आपसे बात भी शेयर करती। चावल साफ करते करते एक बात बताती हूँ तुम्हें, मैंने हमारे यहाँ तो खावे है पतली खीर, यानी कि कम चावल की खीर, और मोमन में खावे है ज़्यादा चावल की खीर। तो एक बार मैं मोमन में मतलब कुछ हो मतलब मावा सावा जिस सबके खीर बनाए, तो हमारे चारों मोमन की खीर बनी और चारों के टाइट, और मैं चारों मतलब मन की किसी कहता बिजली वाली मिलेगी ऐसी हल्की वाली, वही कह रही हमारा तो भाई यही खा। मैंने कि भाई चलो ठीक है। तो फिर मैंने अलग से दूध डाला और जब खाई, तो तुम्हारे यहाँ खीर कैसे बनाए तुम बताइयो। और जब इसमें चावल में धो के और चावल डाल दूँगी खीर में, और इंगे दिखाऊँ मैंने काट लिए इंगे, वैसे दिखाऊंगी बैक कैमरा से। मैंने कुछ बताऊँ खीर में गेंद जरूरी भी ना खीर बताऊँ गेंदने हैं, गेंद थोड़ी देखने में अच्छी लगेगी, यूट्यूब पे देखने में अच्छी लगनी चाहिए। और उसके बाद मैं निधि को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और दोज में जैसे मैंने बताया हमारा दूध पूरा घर में रहता है, तो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। मतलब हमारे पापा जी के यानी हमारे बाबा के भी शायद पापा जी हैं या भाई, पता नहीं किसकी बात है, उनका ना कुछ काम मतलब हो नहीं रहा था बहुत टाइम से। तो जिस दिन बाबा मोहन राम की दोस्त थी, तो उन्होंने मतलब मोहन बाबा से कहा था कि यदि हमारा आज का काम बन जाएगा तो सारे दूध घर ही रोक के खीर बनाएंगे और बहुत धूमधाम से मतलब दोज बनाएंगे। तो जब से हम दूध ना देते दूधिया उधिया उस दिन जिस दिन दोज रहे, सारे दूध हम घर में यूज़ करे हैं, और जमाते भी ना और बुलोते भी ना। तो कुछ दूध की हमने खीर बना ली, और कुछ का वो बना लिया क्या बोले मावा, और कुछ पीने गर्म कर लिया। और मुझे मावे की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। और वीडियोस यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रात का व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करा दीजिए। और जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता मैं आपके पीछे पड़ी रहूँगी। और मैंने अभी 30 डेज 30 वीडियोस का भी चैलेंज लिया है, तो इसे मैं कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ।
और पापा जी चले गए, फ़ोन चला गया, तो अब अभी आया तो मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ और एडिट करके डायरेक्ट अपलोड कर दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को, जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ उतना ही सपोर्ट दिखाइए। और रात में व्यू हमारी छत से जो आता है वो शेयर कर लिया है, तो वीडियो अभी 7 सेकेंड की रह गई है। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।